हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आई मैं अपने साइड पे हूँ आप मौसम सो so, आज जो हम रोड बनाते हैं आप बहुत साइड देख लो अभी हमारा सि टी एस बी रोड बन रहा है तो रोड के बीच में एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ एक कलवर्ट बनाना है दो बाई डेढ़ मीटर का ओके okay? सो so, आज कलवर्ट जो आर सी सी कलवर्ट होती है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके एक एक पॉइंट को देखेंगे विथ ड्राइंग ओके सो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल पर हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल सो कलवट आरसीसी कलवट आप देखते हो हम लोग जो जब रोड बनाते हैं तो क्या होता है कि बीच बीच में एज पर जो डाउन एरिया हो या फिर जो इधर पानी की आ, रिक्वायरमेंट हो जैसे कि वाटर को इस तरफ से उस तरफ जिस तरफ डाइवर्ट करना तो वहाँ हम लोग कलवर्ट देते हैं कलवर्ट या फिर ह्यूम पाइप सो so, ये आप देख रहे हो सामने देख रहे हो ये हमारा आर सी कलवर्ट है और जिसकी कास्टिंग एबटमेंट कास्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और स्लैब की बार बाइंडिंग भी एटलीस्ट कम्प्लीट है कि थोड़ी साइड सेटरिंग बची हुई है और इसके पैरापेट के बार्स बांधने बाकी हैं सो फ्रेंड्स ये हमारा दो बाई डेढ़ मीटर का कलवाटा है दो मीटर यानी कि इस पॉइंट से लेके उस बट मतलब ए वन टू ए टू के बीच की जो गैप रहेगी वो दो मीटर और वहाँ से स्लैब के बॉटम से फ्लोर लेवल तक जो डिस्टेंस रहेगी वो डेढ़ मीटर की होगी सो so, दो बाई डेढ़ मीटर ये कहने का टू मीटर बाय वन पॉइंट फाइव मीटर अच्छा तो इसमें क्या प्रोसेस क्या है पहले हम लोग क्या करते हैं पहले हमने फाउंडेशन कटिंग कर लिया बेड लेवल हमने देख लिया जैसे कि बेड लेवल कहने का मतलब जो आपको एग्जिस्ट्रीम बेड है उससे आपको क्रस्ट को कितने हाइट रखना है उसके उसके टॉप से फिर हमने अपना इसका जो कटिंग फाउंडेशन लेवल है वो लेवल देख लिया उसके बाद से हमने इसकी कटिंग करा ली ये प्रोसेस हो गया उसके बाद से इसमें करना क्या होता है जब आप बेड कटिंग हो गई लेआउट आपने कर लिया उसके बाद से इसमें दो लेयर पीसीसी की होती है दो पीसीसी की लेयर होती है और दो दो सौ की होती है दो सौ की पी सी सी टू हंड्रेड टू हंड्रेड एम ओ की दो लेयर होती है पी सी सी करते उसके बाद से एबार्टमेंट की कास्टिंग स्टार्ट होती है एबार्टमेंट एम फिफ्टीन ग्रेड का होता है इसमें इसमें है एम फिफ्टीन का है और विदाउट बार है ओके बार नहीं होते सो so ये देखो ये ए वन है और ये ए टू है अच्छा तो उसमें क्या है ड्रॉइंग के हिसाब से पहले हम लोग जो कास्टिंग करते हैं लेयर वाइज लेयर इसकी कास्टिंग होती है और 400 400 फिर उसके बाद से एक स्लोप मेंटेन करते हुए इसकी कास्टिंग होती है ओके सो ढलाई का हम कास्टिंग कंप्लीट कर लेनी है दोनों अपार्टमेंट की जब कास्टिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद से जब आप अपार्टमेंट के टॉप पे आओगे जैसे यहाँ आप ये जो है ये टॉप हो गया अपार्टमेंट यहाँ तक कंप्लीट उसके बाद से इसका बेड प्लेट होता है ये यहाँ से लेकर के स्लैब के बॉटम यहाँ जो स्लैब रेस्ट करेगा उसके नीचे तक बेड प्लेट होता है वो पाँच सौ एम का पाँच सौ एम या पाँच ऐसे ही कुछ होता है और इसकी विर्थ लगभग एक मीटर या एक मीटर पचास ग्यारह ऐसे होती है उसके बाद से यहाँ से आप ये जो देख रहे हैं ये पोर्सन ये डॉटवाल हो जाता है यहाँ से देखो ये पोर्शन जाएगा और यहाँ ये गया ऐसे फिर गया ऐसे है यहाँ तक ये डॉट वॉल होता है तो इसमें होता क्या है डॉट वॉल में बार होते हैं पर इस प्रोजेक्ट में इस्टमेट में बार नहीं दिया हमने जो प्रीवियसली प्रोजेक्ट किया था उसमें बार तो इसमें बार नहीं इसमें सिर्फ कास्टिंग ही है तो इसमें बार अगर होते हैं जो हमने पुराना किया था उसमें क्या होता है बाढ़ जो आपको डट पहले आप देखो ये बेड प्लेट के जो बार होंगे वो रिंग टाइप के बनेंगे बाघ ऐसे रिंग टाइप की बार बनेगी और जो डॉट डॉटवाल की बार होगी वो यहाँ से ये आएगी ठीक है और फिर यहाँ से ऐसे यह जाके इसी बेड प्लेट के जो बार इंजर्ट हो उसमें जाके इंसर्ट होगी ओके कवर माइनस करके टॉप बॉटम कवर माइनस करके ठीक है तो इतना हमने कर लिया ये स्लोप में होगी ये आप देखो ये साइड फेस जो होगी ये स्लोप में होगी तो बार भी स्लोप में होगी टॉप आप उसकी जो एज पर ड्राइंग होगी वो होगी यहाँ भी एज पर जो ड्राइंग होगी और स्लैब की थिकनेस होगी ओके बेड प्लेट की दूसरी यहाँ देखो यहाँ जो आप जब रेस्ट करोगे तो यहाँ क्या होता है फिफ्टी एम mm का प्रोजेक्शन निकला होता है ड्राइंग में जब मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ फिफ्टी एम mm का प्रोजेक्शन निकला होता है बोथ साइड में यहाँ इन्होंने बनाया नहीं है हुई है गलती लगेंगे क्लास सो ये प्रोजेक्शन होता है फिफ्टी एम mm का प्रोजेक्शन मतलब निकला रहता है और उसके बाद से ये फिफ्टी एम ऐड करके ही इसकी वेट फिक्स होती है ओके सो ये हो गया बेड प्लेट हो गया डॉट वॉल हो गया बेड प्लेट डॉट वॉल अपार्टमेंट हो गया पी सी सी का डिस्कस कर लिए ये आप देख लो कंप्लीट है स्लैब की शटरिंग कंप्लीट हो चुकी है देख रहे हो आप ये इन्होंने बम्बो यूज किया है और बार जो इसमें जो इसमें गिवन है तो बार क्या होता है कि इसमें आपको दे दिया कि जैसे इस्टीमेट में है कि आपको इतना के बार इसमें आपको यूज करना है सो so, उस केजी के के हिसाब से आपको ड्राइंग बनानी होती है जितना आपको शेड्यूल में मेंशन है ये देखो आप कि बार इस कम्प्लीट है टॉप में देखो आप बारह है एम का है बाढ़ है सिंपल सी इसकी बीबीएस है देख लो बोथ साइड एल कर देना है और नीचे भी बी बीस एम एम का है और जो बाइंडर इसका टेन एम एम का है ओके चेयर है आप देख लो ये चेयर है और ये जो रॉड निकली हुई है उससे में आपको क्या करना है जो पारा पेट बनेगी उसके बाहर उसमें इंसर्ट हो जाएंगे ओके ये आप सामने देखो ये बाहर कंप्लीट है चेयर है और इन दोनों के बीच में की जो डिस्टेंस को हमें डायमेंशन को ध्यान में रखना है कि दोनों के बीच के स्लैब की जो थिकनेस है वो उतनी मेंटेन होनी चाहिए और इसकी थिकनेस भी मेंटेन होनी चाहिए ओके सो फ्रेंड्स ये हमारा आर सी सी कलवट दो बाई डेढ़ मीटर का का रहा और इसकी अभी स्लैब की कास्टिंग होनी है ये बार कंप्लीट है पारा पेट के बार बनेंगे उसके बाद से इसकी कास्टिंग कंप्लीट रहा अभी क्या चलेंगे हम लोग इसकी ड्राइंग देख लेंगे एज पर ड्राइंग भी थोड़ी ड्राइंग भी डिस्कस कर लेंगे और इसको ड्राइंग के एक एक पॉइंट को देख लेंगे फिर हमारा और टॉपिक so, तो ये क्लियर हो जाएगा सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड कीप वाचिंग माई वीडियोस। सो फ्रेंड्स ये आप याद देख रहे हो दो बाई डेढ़ मीटर का कलवर्ट की अपार्टमेंट की सेटरिंग हो रही है यहाँ सामने देखो ये एक लिफ्ट ये कास्टिंग हो चुका है और ये कास्टिंग नहीं कास्टिंग कंप्लीट हुई है और ये दूसरी तरफ देखो चल रही है ओके ये फाइनल से हो और फिर डॉ फिर स्लैब और ये जो आप काटती हुई है तो कल शटरिंग करके फिर इसकी भी ओके ये है अभी ये वर्किंग प्रोसेस प्रोग्रेस तो चलते हैं नेक्स्ट अभी जो आप सामने देख रहे हो ये जो हमने अभी डिस्कस किया दो बाई डेढ़ कलवट उसकी ये ड्राइंग है जो डीपीआर से लेकर के हमने बनाया है ओके, okay. सो so, आप देखो इधर नीचे देख लो थर्टी सिक्स हंड्रेड है थ्री पॉइंट सिक्स मीटर और ये सामने देखो ये भी बहुत सारे थर्टी सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स मीटर है यानी कि लगभग सेवन पॉइंट टू मीटर ओके okay? ये पुरी इसकी बॉक्स कटेगी जो कि फर्स्ट लेयर की सैंड इसमें हम क्या करना है सैंड हमें ड्रेसिंग करते हैं ओके okay? उसके बाद से देखो थ्री मीटर है एक अपार्टमेंट और थ्री मीटर है दूसरा अपार्टमेंट इसकी इसकी जो कास्टिंग होगी वो हंड्रेड एम होगी और उसकी जो टॉप लेयर है उसकी जो कास्टिंग है वो टू हंड्रेड mm एम होगी देखो दोनों तरफ से ऑफसेट कटा हुआ है ये और दो दो सौ की थिकनेस होगी यहाँ देखो आप यहाँ देखो थिकनेस मेंशन मेंशन किया हुआ है ठीक है तो दो लेयर पी सी कम्प्लीट होगी उसके बाद से हम तीन तीन मीटर की दोनों तरफ कास्टिंग करेंगे वो भी दो दो सौ की होगी ओके ये देखो आप सामने जो तीन मीटर है थ्री मीटर है, थ्री है आ, ये देखो ये थ्री मीटर है ये भी दो दो सौ कास्टिंग होगी उसके बाद से जो नेक्स्ट है नेक्स्ट लेयर है उसको छब्बीस सौ है ट्वेंट टू पॉइंट सिक्स मीटर उसकी हाइट कितनी है आठ सौ है यहाँ देखो यहाँ देखो आपको आठ सौ एम यहाँ है ओके यहाँ आठ सौ है तो ये उसकी जो नेक्स्ट लेयर की कास्टिंग होगी आठ सौ एम होगी और उसके बाद जो कास्टिंग करेंगे हम वो दो मीटर होगी लेकिन देखो आप ये इसकी ऑपसेट यहाँ पर कटी हुई है बोथ साइड देखो ऑपसेट कटी हुई है और उसकी थिकनेस कितनी होगी चार सौ होगी तो ये क्लियर हुआ आपको क्लियर हुआ फर्स्ट लेयर 100 एम mm, फिर 200 हंड्रेड mm, फिर 200 हंड्रेड mm, फिर 400 हंड्रेड mm, फिर फोर हंड्रेड एम का ओके ये देख लो आप ये आप देखो ये 800 जो यहाँ से यहाँ तक है टोटल नहीं ये चार चार सौ का लेयर है चार सौ यहाँ चार सौ यहाँ चार चार सौ का लेयर है और दोनों की थिकनेस मिला करके आठ सौ मतलब चार सौ जो होगी दो आ, तीन मीटर के बाद से जो चार सौ कास्टिंग होगी उस वो स्ट्रेट होगी और फिर जो नेक्स्ट चार सौ होगी वो उसके स्लोप कटेंगे अंदर से बाहर तरफ से स्ट्रेट रहेगा और अंदर से स्लोप कटेगा और वो जहाँ स्लोप कटेगा ये यह देखो यहाँ जब हम पहुँचे यहाँ पहुँचे उसके बाद से यहाँ से 800 सौ एम ऊपर जाएंगे यहाँ देखो आप लिखा है 800 सौ एम ऊपर जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेड लेवल हो जाएगा अब वही वही बेड लेवल से लेकर स्लैब के बॉटम तक की जो हाइट होगी वो डेढ़ मीटर होगी वन पॉइंट फाइव मीटर और यहाँ देखो यहाँ देखो ये यह दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी होगी दो मीटर होगी तो ये क्लियर हो गया दो मीटर बाई डेढ़ मीटर क्लियर हो गया नीचे के नीचे के जो डायग्राम से वो क्लियर हो गया साइड देखो आप यहाँ से लेकर के यहाँ जहाँ तक स्लोप काटना है उसकी हाइट कितनी दी है तेरह सौ पचास बोथ साइड ठीक है और उसके बाद से वहाँ से ले लेकर के अपार्टमेंट जहाँ कंप्लीट होता है उसकी दी हुई है इक्कीस सौ पचास क्लियर यहाँ देखो आप इसकी वृद्धि दी हुई है और इसकी वृथ्त दी हुई है ये जो बेड प्लेट होगी वो पाँच सौ एम एम होगी और जो इसकी बेड प्लेट की वृथ होगी वो पाँच सौ पचास होगी डटवाल की जो बॉटम होगी वो चार सौ पचास और टॉप में जा करके वो डटवाल कितनी हो जाएगी तीन सौ क्लियर है ये आप देखो क्लियर है और इसकी जो कास्टिंग है वो एम फिफ्टीन ग्रेड की है वन इज टू इज टू फोर है और जो स्लैब है उसकी कास्टिंग है एम ट्वेंटी फाइव है यहाँ देखो डेक्स देख स्लैब की कास्टिंग कितनी है वन ट्वेंटी फाइव एम एम जो डॉटवाल होगी उसकी हाइट हमारी गिवन है सेवन फोर्टी आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है सेवन फोर्टी डॉटवाल की हाइट है अच्छा डॉट डॉटवाल के बाद जो पैरापेट होगा हमारा वो एट सिक्सटी एम एम है यहाँ लिखा mm है पैरापेट हमारा एट सिक्सटी एम एम बाहर से बाहर की डिस्टेंस कितनी होगी बाहर से बाहर की जो डिस्टेंस है वो हो दिया थ्री पॉइंट सिक्स मीटर क्लियर है ये ये आपको क्लियर हो गया ये भी क्लियर हो गया ये भी क्लियर हो गया हाइट भी क्लियर हो गई थिकनेस भी क्लियर होगी ग्रेड्स भी क्लियर हो गए स्लैब भी क्लियर हो गए पैरापेट भी क्लियर हो गए ओके फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही हमने ड्राइंग देख लिया साइड पे भी जाकर देख लिया डिस्कस भी कर ली एक एक पॉइंट को देख लिया अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मई वीडियो